तो गुड शिप 200 mg, इससे जो कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया जाता है, इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का, इसकी जो कॉस्ट है वह जो कि 149 रुपीज है। तो गुड शिप 200 mg डॉक्टर आपको कब रिकमेंड करते हैं, कैसे इसका डोजिंग हो सकता है, कितना दिन तक रहना चाहिए और क्या बेनिफिट्स मिलता है जब आप इसे लेते हैं और किस तरह की समस्या में इसे लेना है, तो अगर आप पूरी जानकारी आप हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गुड सेफ 200 mg का इस्तेमाल इस तरह की समस्या में किया जाता है जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके जैसे लंग्स में हुआ है, या जैसे कि आपको निमोनिया हुआ है, नाक कान गले में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि दांत में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ आपके, या जो कि आपके थ्रोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या जैसे कि आपके यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार आ रहा है, यानी जिसमें आपको खांसी सर्दी जुकाम बुखार के साथ में, तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। जैसे कि अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, तभी भी डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है इस तरह की समस्या में। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं इस तरह की समस्या में, तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करें। अगर आपने कभी इसे यूज किया है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिला है कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो जैसे कि इसका जो डोज रहता है वह 2 डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। ये एडल्ट का डोज है इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग आपको 5 दिन तक इसे दिया जाता है। पहले 3 दिन का रहता था, अभी 5 दिन का कोर्स हो गया। अगर आप 3 दिन में बंद कर देंगे तो हो सकता है आपको बैक्टीरियल जो कि इन्फेक्शन और जो कि परसिस्ट रहे, यानी लॉन्ग समय तक रहे, इसलिए जितना दिन का कोर्स रहता है आप कोर्स को जरूर पूरा करें। कोर्स अगर आप करते हैं देखेंगे कि आपका जो इन्फेक्शन काफ़ी अच्छे से क्योर हो जाता है और जो कि रिकरेंस के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आप इसे खुद से लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो हो सकते हैं कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले, जिसमें आपको डायरिया हो सकती है और जैसे कि पेट में गैसेस बन सकती है, जी मचला सकता है, उल्टी हो सकती है, भूख कम लग सकती है। तो अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपडेटेड रहना चाहते हैं मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।